धन्यवाद, आपने मुझे बजट 2023-24 पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हर वर्ष उत्तरोत्तर हर बजट में जो प्रत्येक साल आपने दिया, हर वर्ग को विदेशी बजट बनाते हुए दिया, हर वर्ग को आपने इसमें समावेशी जगह दी है। और इस बार 2023-24 का बजट तो इतना शानदार, इतना जानदार और राजस्थान के विकास को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला प्रस्तुत कर राजस्थान के आम जन का दिल जीत लिया। आपने इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए एहसास कराया कि उसके साथ राजस्थान की सरकार और राज्य का मुखिया खड़ा है। इस बजट में आपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब को, किसान को, मजदूर को, महिला को, युवा को, उद्यमी को, सभी को साथ रखते हुए, नौकरी पेशा लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। इस बजट की जितनी भी तारीफ मैं करूं उतनी कम। मैं एक क्लाइन कहना चाहूँगा, पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से संवारा जाए। कुछ इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को संवार कर राजस्थान के विकास की गति को बढ़ाने का एक सच्चा और सार्थक प्रयास किया। ये साबित किया कि राजस्थान की संपूर्ण जनता उनका परिवार है और हर तरह से ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा धर्म भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, ये सदन है, यहाँ पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात कहते हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, पर सरकार का साथ मिला, यही कारण है कि आज हमारी विधानसभा में हमारा सम्मान है, हमारे को लोग विश्वास की नज़र से देखते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मेरी जनता, जो आज किशनगढ़ में विकास हुआ है, 30 सालों में इतना विकास आज तक नहीं हुआ। मैं राजनीति से जुड़ा हुआ, एकदम सच्ची बात है, और मैं उस बात को रोज पढ़ता हूँ। मैं सामने बैठा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। या तो इस सभा में प्रवेश नहीं किया जाए, अगर प्रवेश किया जाए तो यहाँ स्पष्ट और सच बोला जाए। अगर आप स्पष्ट और सच नहीं बोलते हैं तो पाप के भागीदार हैं। और इस बात को मैं बोलूंगा और ठोक कर बोलूंगा, क्योंकि मैंने 30 सालों में मोहर नहीं देखा जो मैं कर रहा हूं। मेरी जनता उस बात से, उस विकास से महरूम रह जाती अगर मैं यहां नहीं होता। ये कतई इस बात को मैं इसलिए नहीं दोहरा रहा हूं कि मुझे बहुत कुछ लेना है, लेकिन मैं जो दिया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता, जीवन भर नहीं भूल सकता। और इतना दिया है कि मैं 30 सालों में जो सड़कें मेरे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, 400 करोड़ की सड़क, 2 स्टेट हाईवे जो बन रहे हैं और पूरे होने को आए, मैं कैसे भूल सकता हूं इन बातों को, कभी नहीं भूल सकते। ये ऐसे काम हैं जो जनता को जरूरत थी, ऐसे अनछुए काम जिनकी तरफ किसी ने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, उन कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन पर उन्होंने मेरे हर काम को किया, मेरी जनता को उपकृत किया। और मेरी जनता जहां उपकृत है, मैं वहां जमीन पर लंबा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जनता खुश होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कोई बोल नहीं है। मैं इस बजट के साथ एक बात में बोल देना जो बोलना है। मैं ये बात कहने में कतई हिचक नहीं रखता हूं, किसी भी तरह की हिचक मेरे मन में नहीं है। बहुत कुछ मिला है, इतना मिला है, और इसी बजट में इतना मिला है कि मैं गिना भी नहीं सकता आपको। अभी जो 10 तारीख को बजट आया था उसमें भी किशनगढ़ की जनता को इतना कुछ दिया है कि मैं आपको गिना भी नहीं सकता हूं। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो छोटे मोटे 2-4 काम रह गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कल रिप्लाई करेंगे तब भी देंगे, और जब लास्ट में पूरक बजट आएगा तब भी देंगे। इस बजट में आम आदमी के साथ जुड़ाव, उस पीड़ित, शोषित और गरीब और वंचित परिवार के साथ जुड़ाव दिखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने। छोटी सी बात, मैं एक बात का उदाहरण देकर मेरी बात को शुरू करूंगा। वो व्यक्ति जो वेंडर है, जो ठेला चलाता है और बीमार हो जाता है, अगर वो बीमार हो गया तो वो 7 दिन 10 दिन उसका ठेला बंद रहेगा। वो अगर रोज कमा के रोज अपने परिवार को पाल रहा है, जिस दिन वो बीमार हो गया उस दिन उसके परिवार की रोटी बंद हो जाएगी, वो कहाँ से लाएगा? वो चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन गरीब के साथ खड़ा होना, ये सोच दिमाग में आना बहुत बड़ी बात है कि उस वेंडर को अगर वो 7 दिन तक अस्पताल में एडमिट है तो 200 रुपये पर डे सरकार उसकी मजदूरी देगी ताकि उसका परिवार भूखा नहीं सोए। उसकी चिंता सरकार कर रही है। ये एक छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ा काम है। आज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 50% लोगों का जीवन बचेगा इस योजना से। जो लोग बीमारी में पैसे की वजह से जीवन खो देते थे, वो अब जीवन को बचा लेंगे सरकार के इस प्रयास से। जो 10 लाख से सीधा 25 लाख पर चला गया, आजकल बीमारियों में इलाज बहुत महंगे हो गए हैं,
और इसीलिए शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विचार किया कि 10 लाख रुपए में किसी का जीवन शायद बच नहीं सकता है। बहुत बड़े बड़े इलाज, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, तो 10 लाख से 25 लाख रुपए करना एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम, और उन उस गरीब को ये हिम्मत देना कि तू चिंता मत कर, तुझे 25 लाख रुपए सरकार देगी, तू इलाज करवा, तुझे कोई भी अस्पताल मना नहीं कर सकता। राइट टू हेल्थ बिल आ रहा है, और वो इसीलिए आ रहा है कि कोई भी अस्पताल मना नहीं करे किसी भी गरीब को इलाज करने के लिए, को इसको मना कर दे कि आप इलाज नहीं कर पाओगे। इसी के साथ जो NFSA में जुड़े हुए लोग, छोटे छोटे काम हैं ये, बहुत बड़े काम तो बहुत सारे किए हैं, पर ये छोटे काम जो उस गरीब और पीड़ित को के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। सरकार NFSA में गेहूँ दे रही है, वो आटा पिसा लेगा, लेकिन दाल, तेल, नमक, चीनी कहाँ से लाएगा? ये एक ऐसा प्रयास जो सरकार ने बहुत बड़ी सोच के साथ 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, नमक, तेल, मसाले, ये सब देकर उसको इस चिंता से भी मुक्त किया है कि तू आज ही अगर तेरे को गेहूं मिल रहा है तो तुझे दूसरा राशन लाने की आवश्यकता नहीं है, तुझे सरकार दे रही है इसी गेहूं के साथ साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं 50 यूनिट फ्री के बाद 100 यूनिट फ्री करना, कितने लोगों को फायदा मिलेगा अंदाज नहीं कर सकते इस बात का, हम सोच भी नहीं सकते कि 50 यूनिट के बाद 100 में हम सब उस दायरे में आते हैं, हमें सबको फायदा मिलेगा। हर दिन मैसेज आता है कि आपके 50 यूनिट थे, इतना बिल कम हो गया, हमने यहाँ फ्लैट लिया, अभी तक एक बिल भी जमा नहीं कराया सर, उस सरकार की छूट से हमारी 50% जो यूनिट की छूट थी उसी से हमारा बिल जमा हो रहा है, हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी यहाँ पे जो हुआ उसका बिल जमा कराने की। और अब जब 100 यूनिट की छूट हो गई है तो उसके बाद कितने लोगों का फायदा होगा, कितने गरीब लोगों का फायदा होगा, और आपको भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आपको भी मिलेगा। युवाओं के रोजगार की जहाँ तक बात है, सरकार ने 3,23,000 भर्तियों की बात की है, 1,42,000 नियुक्तियाँ हो चुकी है और 1,81,000 प्रक्रियाधीन है, और ये मैं गारंटी देता हूँ ये 3,23,000 की भर्तियाँ कंप्लीट भी होगी और उन युवाओं को रोजगार भी मिलेगा जो इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ मैं उद्यमी हूँ, सबसे बड़ा काम अगर कोई हुआ है तो वो ये हुआ है कि राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड जो 25 लाख रुपए था, आज का युवा नौकरी जो बड़ा कॉरपोरेट बिजनेसमैन है जिनके घर में इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है, वो बच्चे अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो वो वापस नौकरी करके अपने घर आ रहे हैं क्योंकि उनको इंडस्ट्री लगानी है, और वो इंडस्ट्री लगा रहे हैं नई टेक्निक की इनोवेशन के साथ। अगर सरकार 25 लाख से हटाकर उस कैपिटल वेंचर को 1 करोड़ रुपया बढ़ा के कर रही है तो इससे बड़ी सहायता उस युवा जो उद्यमी बनना चाह रहा है उसके लिए इससे बड़ी कोई भी सहायता हो नहीं सकती, सरकार की इतनी बड़ी सोच हो नहीं सकती कि वो अपने यहाँ आकर अपना खुद का उद्योग स्थापित करेगा और उसको 1 करोड़ का कैपिटल वेंचर सरकार की तरफ से मिलेगा। मेरे किशनगढ़ में ITI में आपने माइनिंग का ट्रेड चालू कर ये भी जता दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि उनकी नज़र हर जगह है, उनको पता है किशनगढ़ में किस सेक्टर का काम होता है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर माइनिंग है, वहाँ पे मार्बल और ग्रेनाइट की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही है, और इस सेक्टर में आपने ये देकर मेरे वहाँ के लोगों को स्किल्ड करने का प्रयास किया है ताकि वो जो बेरोजगार घूम रहा है वो माइनिंग में स्किल होकर वहीं पे उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको किशनगढ़ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महात्मा गांधी के अंग्रेजी 1000 स्कूल खोलना ये माइलस्टोन वर्क है, आज के बच्चों में इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई है और इतनी डिमांड है अंग्रेजी स्कूल की जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और 1000 स्कूल खोलना बहुत बड़ा काम है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा में 1000 रुपये पेंशन करना, उस गरीब को भले ही 250 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन वो 250 रुपये उसके मायने में उसके लिए बहुत बड़ा मायना रखते हैं। हर बार जब भी हम गाँव में जाते हैं, कभी कोई बुजुर्ग महिला, कभी कोई दिव्यांग, 750 में क्या होता है साहब, 500 में क्या होता है, ये अपने आप मुख्यमंत्री ने सोचा और ये बात लोगों को दी है, तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का बहुत बड़ा काम आपने किया है जिसमें 500 और 750 से बढ़ा के 1000 रुपये आपने किया। स्ट्रीट वेंडर्स की मैंने आपको पहले बोल दिया बात, बच्चों को प्रतिदिन दूध देना ये भी अपना एक बड़ा काम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरी बात कहूँगा, मैं बजट पे जितना बोलूँ उतना कम है, जितना बोलूँ उतना कम है। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त। बिल्कुल सर, 2 मिनट में। अभी मुझे सर अराई में रोडेज का नया बस स्टैंड दिया आपने, अराई में कृषि उपज मंडी दे दी मेरे मांग पर आपने, अराई में सिविल न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय दे दिया मेरे, सुरसरा में हमारे लोक देवता तेजाजी का पैनोरमा दे दिया मेरे, किशनगढ़ में रिको कार्यालय को उप इकाई घोषित कर दिया, इकाई कार्यालय घोषित कर दिया, वहाँ का रिको कार्यालय का नया ऑफिस बन गया, 2 सड़कें जो जिले की 5 सड़कों में 2 महत्वपूर्ण सड़कें थी, हमारे रामदेवरा खुंडियास की 23 करोड़ की सड़क वो मिली है, 55 करोड़ रुपए की सड़क मेरी एक मैंने मांगी थी वो मुझे मिली, गोंदलाव झील पे जो संत नागरीदास पैनोरमा बना हुआ है 9 करोड़ रुपए से एक पुलिया बनेगा, उस पुलिया के बाद उस झील पर आप इधर से उधर जा सकते हैं, एक बहुत बड़ा काम
मेरे वहाँ हुआ है। कोई भी काम मेरी विधानसभा में जो अब तक मुझे मिला है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये बात, मेरी विधानसभा के लोग इस बात को सुनेंगे, एक भी काम ऐसा नहीं है जो चालू नहीं हुआ है। जितनी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है वो सारे के सारे काम चालू है और ये काम भी अतिशीघ्र चालू हो जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, मेरे बोराड़ा एक बड़ा कस्बा है जहाँ 20 से 30 हज़ार बच्चे आसपास के पंचायतों में रहते हैं, एक कॉलेज की आवश्यकता है, बहुत बड़े समय से डिमांड है। तो इस बार जब कल रिप्लाई करें माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बोराड़ा ग्राम में एक कॉलेज दे दी जाए ताकि वहाँ छात्र और छात्राओं को पढ़ने का एक अच्छा अवसर मिले। हमारी बेटियाँ पढ़ नहीं सकती है कॉलेज नहीं होने की वजह से, उनके माता पिता उनको छुड़ा देते हैं। तो बड़ी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी के, बड़ा दिल है और बेटियों के लिए लगातार काम हो रहे हैं। तो मैं भी ये अपेक्षा करूँगा कि कल बजट में हमारे बोराड़ा में एक कॉलेज सेंक्शन हो जाएगा। किशनगढ़ के शहरी क्षेत्र में इतना ट्रैफिक हो गया है, 3-3.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा शहर है, एक ही सड़क है जिस पर पूरा आवागमन होता है, बार बार ट्रैफिक जाम होता है। तो एक बाईपास लिंक रोड मैंने दिया है महेश नगर से अंतर्मना सर्कल होते हुए आर के कम्युनिटी सेंटर, बहुत छोटा सा रोड है, ये अगर रोड मिल जाएगा तो इस शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा ये भी मुझे मिलेगा। एक NIA कोर्ट जिसकी बहुत सख्त जरूरत है, मेरा शहर व्यावसायिक शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, चेकों के अनादरण के मामले, एक मिनट में खत्म करो, चेक अनादरण के 4,000 मामले लंबित है सर, और ये कोर्ट नहीं होने की वजह से मेरे व्यापारियों के अरबों रुपए फंसे हुए। मेरा आपसे आग्रह है, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि कल के बजट में NIA कोर्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत वहाँ चेक अनादरण मामले की विशेष न्यायालय की स्वीकृति दी जाए ताकि मेरे व्यापारियों को परेशानी नहीं हो। बांदर सिंदरी हाईवे पे बसा हुआ है, वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय बैठे हैं, प्लीज एक सेकंड बस, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा और डबरेला में एक PSC की घोषणा करवा दें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।